this is a blot on all legislators, including men, sir. Yes, yes. This is not a house where men come in ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए. Here we work for gender equality. Who has worked very hard? She's had her challenges in her life, and this offensive language is just not accepted. To again politicize an issue related to women is outrage. Let's all stand together, speak in one voice, which is what I thought was happening here. Why is that hesitation? Why is that dilemma? Why is that doubt? Why is that bringing? Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. Right? You might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing. If the state of women inside this house is this, then we can understand how these very same people will be treating women outside the parliament and what the state of affairs outside this house can be. आज शोभनीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा. माननीय, उन्होंने इस्तीफे की बात की है. हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए. उन्हें माफी मांगना होगा माननीय आकर के सदन में. नेशन नाउ में आपका स्वागत है. साथ ही महिला संसद सांसद के लिए महिला और पुरुष सांसदों का यूं साथ आना है शायद ही पहले कभी देखा गया. गुस्सा जायज भी है. आजम खान के कल के बयान ने न केवल संसद की गरिमा को गिराया है बल्कि महिला नेताओं के ऊपर आए दिन होने वाले जुबानी हमले के मुद्दे पर भी को भी यहां हवा दे दी है. सभी सांसद आजम खान की माफी के लिए अड़े हुए हैं. स्पीकर को अभी अपना फैसला सुनाना है, पर आजम खान जैसे नेता के लिए क्या ये काफी है? ये कोई पहली बार नहीं है जब आजम खान ने अपनी सीमा लांघी है, तो आखिर क्यों इस बदजुबान नेता पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले इस नेता को समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता का दर्जा दिया जाता है? आजम खान को पार्टी से निकालकर अखिलेश यादव क्यों नहीं एक मिसाल कायम करते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर चलते हैं सीधे हमारे पैनल के पास. हमारे साथ जुड़ रहे सुनीता गोदारा जो कि विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट है, और हेमंत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है. आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है. सुनीता गोदारा, ये देखकर जरूर आपको बहुत ही आज अच्छा लगा होगा कि पहली बार एक तरीके से पार्टी की सारे सीमा तोड़कर सारे एमपीस एक साथ खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी महिला के खिलाफ यहाँ पर अश्लील बातें संसद के अंदर की गई. लेकिन जिस सांसद ने ये बात की, जो आजम खान ने ये बात की है, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनके जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनके साथ हंस रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि एकदम चीपस्टर्स और टपोरी का जो उन्होंने बिहेवियर किया है, जो हैबिचुअल हैं इस तरह का बिहेवियर करने के लिए, उनको सपोर्ट कर रहा है उनका लीडर, तो उस लीडर की सोच कैसी होगी? ये सब लाइक माइंडेड जो लोग हैं, मुझे सबसे अच्छा लगा कि सभा में, पार्लियामेंट में सभी महिलाओं ने इस बात का पुरजोर इस बात के को निंदनीय कहा है, और वो एक्शन मांग रही हैं. एग्जम्पलरी एक्शन अब स्पीकर के ऊपर है. स्पीकर ले ले, एथिक्स कमिटी होती है, वो एक्टिवेशन में आ जाए, वो अपनी तरफ से इस चार्ज को ले ले कि हमने कुछ करना है, इसके अगेंस्ट करना है. और आजम जैसे जो सांसद हैं, उनको तो संसद में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए. कितने गलत तरीके से वो बोल रहे हैं और बोले जा रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी जब वो कह रहे थे आप शेरो शायरी करते हो. जब आपको डिप्टी स्पीकर कहती हैं कि आप मेरी तरफ देख के बोलो, उसका एक मतलब था कि भाई आप दूसरे पक्ष की तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं, मेरी तरफ देख के बोलो. उसके बाद इतना चीप हरकत करना और इस तरह की बात बोलना जो एक महिला के लिए नहीं बोलनी चाहिए, और वो भी पार्लियामेंट में. सारा विश्व देखता है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, उसके बाद भी इस जैसे नीच प्रवृत्ति के लोग, नीच सोच के लोग
अगर सांसद बैठेंगे तो क्या असर पड़ेगा हमारे समाज को? वैसे ही हमारा समाज खोखला होता जा रहा है एथिक्स में, और इस तरह के सांसद अगर इनको अगर बढ़ावा मिलेगा तो और नीचे स्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीकर को अपनी तरफ से पूरा एक्शन लेना चाहिए और ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आगे इस प्रवृत्ति के जो और सांसद हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव हंस रहे थे, इस तरह के और जो सांसद हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, वो 10 बार सोचें इस तरह डिफेंड करने के लिए या इस तरह की बात करने के लिए। जी, और आजम खान ने क्या बोला, आजम खान ने क्या बोला ये तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हम उन्हें इस बात की संतुष्टि नहीं देना चाहते कि उन्होंने जो बोला वो उससे उन्हें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगी। लेकिन आपको ये जरूर सुनाएंगे कि उनके पार्टी के मुखिया अखिलेश ने इस पर क्या कहा, सुनिए। आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे, और जब उन्होंने अपनी शेर की दो लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए, मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गई हैं कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का मन हो। अब ये देखिए बादशाह, ये अध्यक्ष जी, एक मिनट अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, अखिलेश जी शेम कहते हैं, अखिलेश जी इनसे ज्यादा बदतमीज नहीं हो सकता, जो बात कर रहे हैं। हेमंत तिवारी, आजम खान ऐसे सांसद है जो कई बार इस तरह भावनाओं में बह चुके हैं, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की अश्लील बातें की है। देखिए, पिछले 34 सालों से मैं श्रीमान आजम खान साहब को जानता हूं, मुझे लगता है तभी से सक्रिय राजनीति में ज्यादा प्रकाश में आए हैं, पहली मर्तबा मिनिस्टर बने, हाउस में आए, तब से आज तक देख रहा हूँ। और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि एक अच्छे मुकाम पर सियासत में पहुँचने के बाद भी कोई पॉलिटिकल लीडर सुर्खियों के लिए किस हद तक जा सकता है। मतलब अगर आजम साहब को शर्म और सुर्खी में कोई एक चीज़ तलाशनी हो तो सबसे पहले वो कहेंगे शर्म का कोई ऐसा काम कर दो जिससे उनको सुर्खी मिल जाए, और ये आज से नहीं है, ये तो अच्छा है कि पार्लियामेंट में पहले रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, इनकी बेगम राज्यसभा में इस वक्त है, इनके जो साहबजादे हैं बेटे अब्दुल्ला आजम वो विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में ये पहली बार उन्होंने इस तरह का आचरण किया है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अक्सर विवादित बातें करते रहते हैं, लेकिन चूंकि यूपी के एक क्षेत्रीय दल जो है उसके महत्वपूर्ण नेता हैं, इसलिए इस तरह की गतिविधि, इस तरह की हरकत, इस तरह के संवाद और इस तरह के आचरण पर कभी इनके खिलाफ कोई सख्त ऐसा वहाँ नहीं लिया गया, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सही जगह फंसे हैं। मैं कुछ बातें बता दूँ इनके बारे में, मतलब लोग पूरे दुनिया भर में लोग आश्चर्यचकित हुए होंगे, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने क्या बोला, क्या बोलना चाहते थे। दो बातें यहाँ बड़ी ज़रूरी हैं, आजम खान के खिलाफ जैसा सुनीता जी ने कहा कि एक सबसे सख्त कार्रवाई करके एक मिसाल पेश की जाए, हालांकि सबसे सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है, जनता के चुने नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने उनको वोट दिया है, जीत कर आए हैं, बर्खास्त आप कर नहीं सकते हो, और अगर आप उनसे माफ़ी के लिए कह रहे हो, आपने देखा कितनी महिला सांसद जो बड़ी वोकल हैं, जो अच्छी लीडर इस देश की हैं, सबने कहा उनको माफ़ी मांगना चाहिए, खुद रमा देवी जी भी ने कहा उनको माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन रमा देवी जी को नहीं पता होगा, या स्मृति ईरानी को नहीं पता होगा, सुप्रिया सूले को नहीं पता होगा कि जिस माफ़ी की बात कर रहे हैं आजम जैसे पॉलिटिशियन, उस माफ़ी में भी अपनी पब्लिसिटी तलाशते हैं, उनको लगता है। आप देखिए, एक बड़ा पॉलिटिकल कारण है, आजम खान साहब यूपी में 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे और उनकी मशहूरियत इस बात की थी कि ऐसे अकेले मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को उन्होंने करीब करीब गोद में खिलाया है, उनके बच्चे की तरह रखा है, उनके हेमंत तिवारी, हेमंत तिवारी मुलायम सिंह यादव के बड़े खास दोस्त। हेमंत तिवारी, ये बताइए कि जो पार्लियामेंट के जो रूल्स है उसके मुताबिक अब यहाँ पर तो मांग हो रही कि उन्हें डिस्क्वालिफाई तक कर दे, आप बोल, और हालांकि ये भी बात हो रही कि उनसे भरी संसद में उनसे माफ़ी मंगवाया जाए, इससे ज़्यादा क्या संसद कर सकती है, किस तरह का एक्शन ले सकती है संसद यहाँ पर?
मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी हैरत है कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने या आपने एज एंकर एज जर्नलिस्ट कोई चीज़ डेरोगेटरी बोल दी होती तो यही पार्लियामेंट आपको संसद में बुला करके और हद तक जलील करती, आपको पनिश करती। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं उसमें आप बर्खास्त तो नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक से अधिक आपने उनको, आपने कुछ वक्त के लिए उनको निलंबित कर दिया। क्योंकि आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, एक दादा कोंडके कुछ फिल्म बनाते थे, उस फिल्म की जो का शीर्षक होता था ऐसा होता था जो निहायत अश्लील होता था, बहुत ज़्यादा गंदा होता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसका जो अर्थ था वो अर्थ ऐसा नहीं था कि आप उसको तकनीकी दायरे में ला करके, विधिक दायरे में ला करके और उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर सकें। तो जो दादा कोंडके की बहुअर्थी द्व्यर्थी वाली जो भाषा होती थी, इन्होंने इस बात, आपने देखा पार्लियामेंट में कैसे चैलेंज किया उन्होंने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मतलब उनके जो शब्द हैं उनके शब्द देखे जाएं, शब्द खराब हैं तो सदन की कार्रवाई से निकाल लिया जाए, तो शब्दों पर जा रहे हैं। और शब्दों पर जब आप जाएंगे, क्योंकि आप भाव वहाँ स्थापित व्याख्यापित नहीं कर सकते हैं, तो आजम खां का अपना कैलकुलेशन है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कार्रवाई होगी, माफ़ी भी नहीं मांगा। और बता दूँ आपको, आजम खां वो शख्स हैं को माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, वो चाहेंगे कि सदन में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको निलंबित कर दिया जाए और इसको भी अपनी अचीवमेंट समझेंगे। एक और बात बता दूं, मुझे हैरत हो रही, अखिलेश यादव जैसे नौजवान पॉलिटिशियन पर 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आई कि ऐसे गंदे वक्तव्य को, ऐसे गंदे नेता को सार्वजनिक रूप से उन्होंने डिफेंड करने का प्रयास किया है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं नैतिक रूप से आजम खान से ज़्यादा गुनहगार तो यहाँ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से माफी मांगनी चाहिए थी कि गलत बात है, वहां इन्होंने भी गलती की। हालांकि फिर जानिएगा कि मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक जो अधिकतम सीमा हो सकती है उसके निलंबन के अलावा और कोई कार्रवाई है। हालांकि स्पीकर, आज स्पीकर ने आज जो अपोजिशन के तमाम नेता हैं उनको बुलाया है, उनसे बातचीत की है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, मुझे लग रहा कन्विंस भी हो गए हैं। कार्रवाई तो होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने जैसी स्थिति आ सकती है। जी बहरहाल सुनीता गुदारा, जैसे हेमंत तिवारी हमें कह रहे हैं कि शायद बहुत कड़ी कार्रवाई, निलंबित निकाले तो नहीं जाएंगे संसद से ज़्यादा निलंबित हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह हमने देखा है, और ये बात हम बार बार कहते हैं कि क्योंकि हमारे नेता इस तरह के अश्लील जो कमेंट्स है, जो महिलाओं के, महिलाओं को लेकर जिस तरह के अश्लील कमेंट्स होते हैं उसको हमारे नेता नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए भी जो जनता है उनको लगता है कि ये सब चलता है। अब ये जो स्टैंड लिया है आज हमारे संसद में, जो स्टैंड ली गई है, जो हमारे सारे नेता एकजुट खड़े हो गए, क्या आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं हम कुछ उम्मीद ले सकते हैं कि शायद यहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं, और आजम खान और अखिलेश जैसे जो नेता है, देखिए यहाँ उन्हें सोच सोच कर अब मुंह खोलना पड़ेगा? पहली बात तो अखिलेश यादव जी को एक्शन जरूर लेना चाहिए इनके अगेंस्ट, मतलब इससे पता चल रहा है कि उनकी खुद की सोच भी बिल्कुल नीची हो गई है, अपने पिताजी की तरह हो गई है, अपने चाचा की तरह हो गई है, क्योंकि वो इनको डिफेंड कर रहे हैं और बुरे तरीके से कर रहे हैं, और उस समय इतने गुस्सा होकर वो दूसरों को डांट फटकार भी रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो कुछ आजम खान जी ने कहा है वो सही नहीं कहा है, उनका जो भी कहना था वो वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, अनवॉरेंटेड था, बहुत ही चीप था, और वो बिल्कुल टपोरी गिरी की तरह कर रहे थे, बिल्कुल टपोरी लग रहे थे उस समय। दूसरी बात, जितने भी नेतागण उनको डिफेंड कर रहे थे और खड़े हो गए थे, उन सबको तो शर्म नहीं आती है, बिल्कुल बेशरम है। तीसरी बात कि इस समय स्पीकर के ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो इनके अगेंस्ट एक्शन ले, इतना होने के बावजूद भी अगर स्पीकर एक्शन नहीं लेंगे तो इसमें मैं समझती हूँ कि स्पीकर को में वो गट्स नहीं है कि वो जो ले सकते थे बाय रूल, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ वो कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उनको आजम खान के अगेंस्ट करना चाहिए। और जितनी महिलाएं पुरजोर से आवाज़ उठा रही हैं उनको अभी आवाज़ अपनी नहीं दबानी चाहिए, और उस बात को बिल्कुल कहते हैं ना एकदम पुरजोर होकर फिर से एकजुट होकर सारे नेतागण एकजुट होकर इस बात की मांग करें कि इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अब अगर उनका खुद का नेता अखिलेश यादव नहीं लेता है एक्शन, तो अखिलेश यादव भी बिल्कुल उसी सोच का है,
मैं तो समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसे नेताओं के परिवार में जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ ये कैसा बिहेवियर करते होंगे। जी, और यहाँ पर जैसे सुनीता कह रही है कि जो स्पीकर है उन पर पूरी पूरी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जो वो फैसला लेंगे वो फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है, देश की सारी महिलाएं कर रही है, देश के सारे पुरुष भी कर रहे हैं, और जो फैसला वो लेंगे वो बहुत ही अहम होगा, क्योंकि अगर महिला नेता संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है, अगर महिला नेता को संसद के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को देश में बाहर सड़कों पर, बसों पर, ट्रेनों पर और ऑफिसेज में रिस्पेक्ट मिलेगा या सिक्योरिटी मिलेगी। इसीलिए स्पीकर का अगला एक्शन बेहद जरूरी होगा।